हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं तीसरा वीडियो रासायनिक बलगत की, आपकी बुक के तीसरे चौथे चैप्टर का तीसरा वीडियो आई है। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगत की, जिसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में तीसरे वीडियो में अब आपका टॉपिक शुरू होगा, जिसे टॉपिक को कहते हैं सक्रिय अणु ऊर्जा। सक्रिय अणु ऊर्जा क्या होती है, तो इसको हम इसके लिखे हुए बोर्ड पर लाइनों के अनुसार समझेंगे कि आखिर सक्रिय अणु ऊर्जा किसे कहते हैं। तो सक्रिय अणु ऊर्जा को समझने के लिए पढ़ते हैं अभिक्रिया के टक्कर। टक्कर से आप जान चुके होंगे, कोई चीज़ आपस में टकरा रही है तभी अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो अभिक्रिया के टक्कर सिद्धांत के अनुसार, अब आपका जो सिद्धांत चलता है अभिक्रियाओं में, उसमें कुछ आपस में अभिकारक अणु टकराते भी रहते हैं। टकराने पर अभिक्रिया के वेग में क्या परिवर्तन हो जाता है, अभिक्रिया कैसी हो जाती है, अभिक्रिया का वेग कम होता है या ज़्यादा होता है, तो इस वेग को निर्धारित करने के लिए हमें सक्रिय अणु ऊर्जा को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सक्रिय अणु ऊर्जा के बिना हम अभिक्रिया के वेग की दर को, वेग या दर को बता नहीं सकते हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। अभिकारकों, यानी जो अभिकारक आपने लिए हैं अभिक्रिया के प्रारंभ में, जो शुरुआत में एरो से पहले लिए जाते हैं, ये जैसे ए प्लस बी, ये आपके क्या होंगे, अभिकारक ये। और यहाँ पर बनेगा आपका जो भी सी प्लस डी बनेगा उत्पाद। तो कह रहा अभिकारकों के मध्य, यानी ए प्लस बी के मध्य अभिक्रिया तभी होती है, कब होती है, जब उनके अणु आपस में टकराते हैं। कह रहा है अभिक्रिया अभिकारों के मध्य तभी होती है, अभिकारकों के मध्य, जब ए और प्लस बी, जो हमने अभिकारक इसमें ले रखे हैं, इनके अणु आपस में टकराते हैं। परंतु अणुओं के बीच होने वाली सभी टक्करों से, यानी अणु आपस में कोई तेजी से टकराएगा, कोई धीमी गति से टकराएगा, कोई आपस में ऐसा टकराएगा कि वो और स्पीड से चला जाएगा, कोई बिल्कुल धीरे से टकराएगा, तो सभी टक्करें, टक्कर बराबर एक तेजी से होगी, एक बहुत जोर की टक्कर होगी, एक धीमी गति की टक्कर होगी। तो बता रहा है कि अणुओं के बीच होने वाली सभी टक्करों से रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया है, संभव नहीं है। आप बता रहे हैं कि जो अणुओं के मध्य टक्करें हो रही हैं, जैसे सभी टक्करें हो रही हैं, 100-200 इकट्ठी टकरा गए आपस में, लेकिन वो सभी टक्करों में ऐसा तो है नहीं कि अभिक्रिया संपन्न हो जाए। ऐसी कौन सी टक्कर है जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होगी। तो आगे पढ़ते हैं, केवल उन्हीं अणुओं से रासायनिक अभिक्रिया, किन अणुओं से, केवल उन्हीं अणुओं से रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनकी ऊर्जा, यानी अणु आपस में भाग रहे हैं, टकरा रहे हैं, एक पात्र के अंदर, हम बताते हैं आपको ऐसे चित्र के माध्यम से, ए प्लस बी के कुछ कण रखे गए हैं, तब ये आपस में टकराते हैं। ये मान लिया हमने ए के हैं, और जो ये काले कण बना रहे हैं, ये हैं बी अभिकारक के, ये आपस में टकराएंगे भाई। जब अभिक्रिया में ताप या दाब दिया जाएगा तो ये आपस में टकराते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, लेकिन कोई टक्कर तेज होती है और कोई धीमी से होती है, कोई टक्कर पावरफुल होती है, कोई बहुत ही धीमे से होती है। तो यहाँ पर बोलेंगे केवल उन्हीं अणुओं से रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनकी ऊर्जा एक निश्चित मान के बराबर या उनसे अधिक होती है। अब ऊर्जा, अणु आपस में टकरा रहे हैं, तो टकराने पर क्या होती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आपस में अणु, अगर कोई धीमी गति से, जैसे ये दो पेन है आपके, आपस में टकराए, धीमी गति से टकराए तो ऊर्जा कम है, और तेज गति से टकराए तो ऊर्जा, जैसे आप अब ताली मारें, ताली जब मारते हैं तो क्या होता है, हैंड से करते तो इसमें
ऐसे मारने पर कम ऊर्जा, और तेजी से मारेंगे तो आपके हाथ से कुछ ऊष्मा रिलीज होगी, हाथ गर्म हो जाएंगे। तो जब अणु आपस में टकराते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जिनकी ऊर्जा एक निश्चित मान के बराबर या उनसे अधिक होती है, ऊर्जा के इस निश्चित मान को जो अणु आपस में अब टकराए, जैसे आपस में अणु टकराए, वो 2 की स्पीड से जा रहे थे, अब उनकी स्पीड हो गई 5 की, तो 2 की स्पीड से जा रहे थे, 5 की स्पीड हो गई, यानी कि उनकी ऊर्जा बढ़ गई। कब? जब वो आपस में टकराए, आपस में कण अणु जो हैं वो आपके टकरा रहे हैं, पहले तो अपने चल रहे रास्ते में टकराए तो और गति बढ़ गई, एक किसी और कण से टकराए तो और गति बढ़ गई। ये गति बढ़ने का कारण क्या है कि इनकी गतिज ऊर्जा, जो चलने की स्पीड है, वो बढ़ जाती है। कोई धीमी गति से रुकावट डाल दे आके तो उनकी गति में कम हो जाए। तो सभी टक्करें रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न नहीं करती हैं। तो यहाँ पर क्या दिया, ऊर्जा के इस निश्चित मान को सक्रिय अणु ऊर्जा कहते हैं। अब आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि A प्लस B के अभिकारक अणु जो इस चित्र में दिए गए हैं वो आपस में टकराते हैं, लेकिन सभी टक्करें रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न नहीं करती हैं। उनमें कुछ ही टक्करें हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के लिए निश्चित होती हैं, जिनमें उन कणों की ऊर्जा का निश्चित मान, जो निश्चित मान होता है उससे या कुछ अधिक मान बढ़ जाता है, उससे रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। अब आपको बताते हैं इसकी डेफिनेशन, जो यहाँ पर नीले कलम से लिखी गई है। तो यहाँ पर लिखा, अतः अभिकारक अणुओं की औसत से अधिक बह ऊर्जा। जैसे अभिक्रिया में अभिकारक अणु अपने नॉर्मल एक सदी हुई स्पीड, जिसे कहते हैं औसत वेग, एक नॉर्मल स्पीड से चलते चले जा रहे हैं, अभिक्रिया करते चले जा रहे हैं, लेकिन वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा, अब वो कह रहा है कि औसत से अधिक, अब वो आपस में टकराए तो औसत से अधिक, किसी ने जैसे आप जा रहे हैं बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी चल रही होती तो वो निश्चित एक औसत ऊर्जा स्पीड में चलती रहती। आपने हंटर दिखाया, हंटर का मतलब है टक्कर मार दी, या किसी क्रिकेट बॉल को आपने बैट से मार दिया तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जितनी तेज गति से बॉलर उसको गेंद को फेंकता है, उससे कई गति से हम उसको बैट से बाउंड्री के बाहर पहुंचाते हैं, तो वो टकरा कर गई है। ऐसे ही उसकी जो औसत ऊर्जा होती है जो बॉलर ने फेंकी, फिर वह अधिक ऊर्जा, निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो अणुओं के टकराने पर, अब अणुओं के टकराने पर यानी अणु आपस में टकरा गए पर अभिक्रिया होने के लिए अणुओं में उपस्थित होती है। अब वो अणुओं में ही, देखो स्पीड किस में बढ़ेगी, गेंद में, बैट से आपने बॉल को मारा तो बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसे यहाँ अणु आपस में टकराते हैं तो उनकी भी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो अणुओं में उपस्थित होती है, सक्रिय अणु ऊर्जा कहलाती है। ये हो गया आपका सक्रिय अणु ऊर्जा के बारे में सिद्धांत। अब हम आपको बता दें कि अभिकारक के समय या कहें अभिक्रिया होने के दौरान जो अणुओं में सक्रिय अणु ऊर्जा, अणुओं की सक्रिय अणु ऊर्जा का मान बढ़ जाता है जिन टक्करों के कारण, तो वो टक्करें कहलाती हैं प्रभावी टक्करें। मतलब है जिनका प्रभाव रासायनिक अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देता है, जिन टक्कर आपस में दो अणु टकराए और रासायनिक अभिक्रिया और स्पीड से होने लगी, तो वो टक्कर आपस में कहलाती है प्रभावी टक्कर। अब होता है अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। तो इसको रफ कर देते हैं, ये आपका रफ हो गया, और आपको हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो टॉपिक है अभिक्रिया, का वेग
स्थिरांक और इसे के से डिनोट करते हैं, स्मॉल के से डिनोट करते हैं। तो अपना टॉपिक है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के। तो वेग स्थिरांक के को हम कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे इसमें माना कोई रासायनिक, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न है। तो के मान की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न है, ए अभिकारक है और इससे क्या बन रहा है, उत्पाद, उत्पाद बन रहा है। तो ए अभिकारक है, यहां पर ए क्या अभिकारक और उससे उत्पाद बन रहा है, इसकी सांद्रता में परिवर्तन लिखेंगे। तो लिखेंगे उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता, ए की प्रारंभिक प्रारंभिक सांद्रता उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता ए, स्मॉल ए, जो सांद्रता है वो क्या है, स्मॉल ए, मोल प्रति लीटर टी जीरो समय पर है। ए की सांद्रता कितनी है, ए, उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता ए मोल प्रति लीटर टी जीरो समय पर है, यानी कि अभिक्रिया में कोई कार्य नहीं किया गया है, लेकिन लिखेंगे टी समय बीतने पर, अब अभिक्रिया में हम काम करेंगे टी समय, यानी कि कुछ हम उसमें समय डालेंगे, कुछ समय के लिए अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करेंगे, समय बीतने पर अभिकारक ए की सांद्रता में एक्स परिवर्तन होने पर सांद्रता परिवर्तन, कुल सांद्रता परिवर्तन, कुल सांद्रता परिवर्तन, कुल सांद्रा पर सांद्रता परिवर्तन के ए की सांद्रता यक्ष परिवर्तित हो रही है। तो ए की सांद्रता यानी कि ए ही तो हमारा अभिकारक अणु है, तो ए की सांद्रता यक्ष जब घटेगी तो परिवर्तन ए माइनस यक्ष होगा। तो ये क्या है कि उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता ए मोल प्रति लीटर है, जब समय टी था, क्या था, टी जीरो समय, हमने अभिकारक अणु में कोई भी क्रिया नहीं कराई, रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई, लेकिन टी समय बीतने पर अभिकारक ए की सांद्रता में यक्ष परिवर्तन,
होने पर कुल सांद्रता परिवर्तन क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स, यानी एक्स ही अभिकारक अणु, ए ही अभिकारक अणु है और जो उसकी सांद्रता परिवर्तन हो रही है, माल क्या कह लिए, ये मार्कर है और इसकी एक्स सांद्रता ये कैप है, जब ये परिवर्तित हो जाएगी तो ये मार्कर बिना कैप का हो जाएगा, ऐसे ही ये एक्स सांद्रता परिवर्तन है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, जैसे अभिक्रिया में अभिकारक अणु ए था और क्या बन रहा था, उत्पाद, उत्पाद, तो लिखेंगे इसको सही से सजा के प्रारंभ में, प्रारंभ में ए बराबर कितना है 100%, क्योंकि एक ही सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और टी बराबर कितना होगा 0, समय 0, और लिखेंगे टी समय बाद, यानी कुछ समय टी समय बाद ए की एक्स सांद्रता परिवर्तन होने पर कुल सांद्रता, होने पर कुल सांद्रता कुल अभिकारक की सांद्रता लिखो, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन ए माइनस यक्स होगा। ये आपको बता दिया है कि जब अभिक्रिया में अभिकारक ए था और उत्पाद बन रहा था तो प्रारंभ में क्या होगा, प्रारंभ में अभिकारक, क्योंकि हमने कैपिटल ए अभिकारक को स्मॉल ए में बदल लिया है कि सांद्रता अभिकारक है कैपिटल ए और इसकी सांद्रता है कैपिटल ए, प्रारंभ में कितनी होगी पूरी 100%, समय हम क्या लगाएंगे 0, समय कुछ नहीं लगाया, लेकिन अब इस अभिक्रिया पर हमने काम करना शुरू कर दिया, इसको ताप दिया, दाब दिया, कुछ भी किया, ताप दिया तब ये घटने लगा, तो टी समय बाद कुछ समय के लिए हम ताप दें तो ए की यक्ष सांद्रता में परिवर्तन होने पर कुल अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा, ए माइनस यक्ष होगा। अब हम इसको लिखेंगे सक्रिय, ऊपर से मिटा रहे हैं, नीचे से ये बात शुरू हो जाती है, तो ये यहाँ से आपका मिट जाएगा, आप ऐसे ही नोट कर लेंगे जहाँ पर ये आपका लिखा है, जहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया है ऐसे ही अपने नोट में नोट कर लें। तो लिखेंगे सक्रिय द्रव्यमान के नियमानुसार, लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर आर, दर क्या होगी आर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, या लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर, तो यहाँ पर है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन क्या है, ए माइनस यक्स। इतना इजी आपको बना देंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे, ये बहुत इजी है चैप्टर भी वैसे भी, और आपको इसको और इजी बना देंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन, क्या हुआ सांद्रता में परिवर्तन, ए माइनस यक्स, सांद्रता में परिवर्तन के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है
तो लिखेंगे R प्रोपोर्शनल A माइनस X, R प्रोपोर्शनल A माइनस X, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आप जानते हैं और बेग बराबर पढ़ाया कि R बराबर होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, लेकिन सक्रियण अणु ऊर्जा के लिए हम इसको लिख सकते हैं, जब हमने आपको बताया था कि तात्क्षणिक वेग बराबर होता है dx अपॉन dt, ये सक्रियण अणु ऊर्जा होता है कि अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन और अभिक्रिया में लगा समय दर कहलाता है। किसी अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन निश्चित समय में लगा परिवर्तन अभिक्रिया का दर कहलाती है। तो इसे क्या कह लेंगे, आर की जगह पे लिख लेंगे dx अपॉन dt, और इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, लाएंगे k और a माइनस x, तो ये जो k आपका है ये अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, इसको हमने रफ कर दिया, या जहां लिख देंगे जहां के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, जहां के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अब आगे लिखेंगे यदि a माइनस x बराबर 1 मोल प्रति लीटर हो, तो यदि a माइनस x की वैल्यू 1 हो तो, यानी कि 1 मोल प्रति लीटर हो, तो क्या बचेगा, dx अपॉन dt बराबर k इंटू 1, और 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, ये आ गया अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो इससे क्या लगता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की इकाई सांद्रता में परिवर्तन वेग के समानुपाती होती है, वेग के बराबर होती, समानुपाती नहीं, समानुपाती का निशान यहाँ पर नहीं है, तो बोलेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको एक बात और जोड़नी होगी, बस इसके बारे में इसको हम रफ किए देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कामा इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे किसी इस वेग स्थिरांक को देखकर, इस वेग स्थिरांक के आधार पर क्या, ये क्या है r के इक्वल, यहाँ r बराबर dx अपॉन dt था, तो ये r दर है और किसके बराबर है k, अतः किसी अभिकारक की इकाई सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर होती है, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर ही है। ये देख लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर होती है, ये दोनों बातें आपकी हो गई यहाँ पर, और वेग स्थिरांक को मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त करते हैं, क्योंकि के का मान होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। समय क्या हो सकता है आपका, समय मिनट में भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है। अब अभिक्रिया का वेग समीकरण, अब इसको रफ कर देते हैं, अभिक्रिया का वेग समीकरण बताते हैं, ये रफ हो गया, अगला टॉपिक होगा अभिक्रिया का वेग दर नियम या समीकरण।
तो अपना टॉपिक है अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण। तो दर नियम दर समीकरण को समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि आखिर अभिक्रिया में ऐसा क्या होता है कि उसके बीच में संबंध स्थापित हो जाता है। तो बताता है जो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग दर में संबंध व्यक्त करती है, यानी कि जो अभिक्रिया रासायनिक अभी समीकरण के वेग दर में संबंध स्थापित करती है व्यक्त करती है उसे अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण कहते हैं। किसी अभिक्रिया का दर नियम प्रयोगों द्वारा स्थापित किया जाता है, यहाँ द्वारा लिखा नहीं है तो द्वारा स्थापित किया जाता है। तो ये मान लिया कोई अभिक्रिया है ए बी, ये कैपिटल ए का मतलब है मोलों की संख्या और बी का मतलब है बी के मोलों की संख्या। स्मॉल ए का मतलब है कैपिटल ए अभिकारक के मोलों की संख्या जिन्हें एक्टिव मॉस कहते हैं, और बी का मतलब है कि स्मॉल बी अभिकारक के मोलों की संख्या। उत्पाद बन रहा है सी डी, लेकिन मोल वही रहेंगे, मोल जितने इस अभिकारक में थे ए वो इसी में मिलेंगे और बी में थे वो सी डी में मिलेंगे। तो ये अभिक्रिया के अभिकारक हैं शुरुआत में, और इनसे अभिकारक से आपस में प्रभावी टक्करें होने पर C और D उत्पाद बने, लेकिन अभिकारक अणुओं की जो संख्या थी मोल वो A और A ही रहेगी, क्योंकि मोलों की संख्या घट बढ़ नहीं सकती अभिक्रिया में। जितना आपने पदार्थ डाला उसमें जितने भी मोल छोटे 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 कण बनेंगे वही मोल कहलाते हैं। तो B के B मोल हैं तो वो आपको D में मिल जाएंगे। यदि ये रासायनिक अभिक्रिया होगी, यदि प्रयोगों द्वारा अभिक्रिया की दर अभिकारक A की सांद्रता प्रथम घात हो और B की सांद्रता द्वितीय घात, एक अभिकारक A की सांद्रता प्रथम घात हो और उसके द्वितीय घात सम के समानुपाती पाई जाए तो समय T पर, अब समय T पर क्या होगा तो लिखेंगे दर प्रोपोर्शनल, किसके समानुपाती है अभिकारक A भी है तो अभिकारक की घाते क्या लगा देंगे, पहले अभिकारक, इस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो तो ये पहला अभिकारक, एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो तो इसकी घात बन होगी, और इनटू बी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो इसकी घात दो हो जाएगी, यानी कि अभिक्रिया द्वितीय कोटि की हो जाएगी। ए के लिए होती केवल, ए सांद्रता में परिवर्तन कर रहा है तो केवल ए के लिए होती, बी की सांद्रता में परिवर्तन ना होता तो बी वैसा ही यहाँ लिखा होता। तो दोनों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा लेकिन मोलों की संख्या जो स्मॉल ए और बी हैं तो इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। देखिए जितना पदार्थ है छोटे छोटे मोल बनेंगे कण, जो कण होते हैं उनमें तो कमी नहीं आएगी, बस उत्पाद दूध से दही बन जाएगा। अब दूध में जो प्रोटीन थी फैट था वो तो उतने ही कण में रहेगा, घट बढ़ नहीं सकता है। तो यहाँ पर दर आर बराबर लिखेंगे आर बराबर के इंटू ए की घाते वन इंटू बी की घाते टू, और यहाँ पर वेग स्थिरांक होगा ये बात यहाँ पर छूट गई है तो इसको हम दोबारा पढ़ लेते हैं। लिखेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया की दर व वेग स्थिरांक में, किसमें वेग स्थिरांक में संबंध व्यक्त करती है, देखिए ये वेग स्थिरांक है इसमें संबंध व्यक्त किया जा रहा, दर और वेग की बात अलग, दर कहें या वेग कहें बात एक ही होती है। तो बोलना है यहाँ पर जो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया की दर व वेग स्थिरांक में संबंध व्यक्त करती है उसे अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण कहते हैं। किसी अभिक्रिया का दर नियम प्रयोगों द्वारा स्थापित किया जाता है, जैसे अभिकारक ए है, यहाँ पर अभिकारक क्या है ए और दूसरा अभिकारक क्या है कैपिटल बी, यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी अभिकारक हैं और सी और डी, कैपिटल सी और कैपिटल डी उत्पाद बने,
ए मोलों की संख्या ए अभिकारक के स्मॉल ए, और बी स्मॉल है वो बी कैपिटल मोलों की संख्या है जिससे उनके चेंज नहीं होंगे। तो ये अभिक्रिया है, प्रयोगों द्वारा अभिक्रिया की दर अभिकारक ए की सांद्रता की प्रथम घात है, क्योंकि पहला अभिकारक है। 10 लोग अगर अभिकारक अभिक्रिया में डाले जाएं तो 10 की सांद्रता में परिवर्तन आ जाए तो अभिक्रिया 10 कोटि की हो जाएगी, लेकिन आपके लिए शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपके सिलेबस में स्थापित है, बाकी आपको आगामी कक्षाओं में पढ़ना होगा बीएससी की क्लासों में। तो बी की सांद्रता द्वितीय घात के समानुपाती पाई जाती है। तो समय टी पर दर बराबर प्रोपोर्शनल किसके है, किसके समानुपाती है, अभिकारक के और बी के। तो यहाँ आर बराबर के इंटू ए इंटू बी इंटू, और ये क्या आपका हो गया दर समीकरण, यही आपका है दर समीकरण। अब आपको हम इसमें लिए गए सभी चीजों के बारे में बता देते हैं। जहां कैपिटल ए व कैपिटल बी बराबर अभिकारक, और स्मॉल ए व स्मॉल बी, कैपिटल ए के स्मॉल ए और कैपिटल बी के ये एक्टिव मास यानी के सक्रिय अणु, या बोले मोलों की संख्या सक्रिय अणु, एक्टिव मास बोल सकते हैं इन्हें, और सी बा डी उत्पाद हैं आपके, और यहाँ पर के आपका क्या है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और ये जो घाते हैं 1, 2 ये 1.2 1.2 हैं आपकी कोटि, 1.2 बराबर होती है कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो अगला टॉपिक आपका यही होगा रासायनिक अभिक्रिया की कोटि। तो इसे हम अब रफ किए देते हैं, आप समझ गए होंगे अभिक्रिया का दर नियम। अब आपको बताना है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि को पूर्ण करने के बाद आपका ये वीडियो फिनिश कर देंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, तो अपना टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या है, अभिक्रिया का ऑर्डर क्या है, क्या इसकी अभिक्रिया के कोटि होगी। तो अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है, अभिक्रियाओं की कोटि की परिभाषा कई प्रकार से आप दे सकते हो। जनरली बोलें तो बोलें अभिकारक अणुओं की सांद्रता, जितने अभिकारक अणु हों 1, 2, 3, 4 तो अभिकारक अणुओं की गिनती में सांद्रता, जैसे अभिकारक अणु 2 हैं तो 2 की सांद्रता में परिवर्तन होगा तो अभिक्रिया 2 कोटि की होगी, 3 में होगा तो 3 कोटि की, नहीं परिवर्तन होगा तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। जब अभिक्रिया की अणु, अभिक्रिया की किसी अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है तो उसकी कोटि शून्य हो जाती है। जब एक अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो कोटि 1 हो जाती है, और 2 में होता है तो 2 कोटि की हो जाती है। कैसे, देखिए परिभाषाओं के आधार पर, अभिकारक अणुओं की वह संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो जिसके सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग, अब उनकी सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, अभिक्रिया तेजी से भी हो सकती है धीमी गति से भी हो सकती है, परिवर्तित हो जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिकारक अणु की वह संख्या, अभिकारक अणु जैसे हम 3 मार्कर पकड़े हुए हैं तो 3 की सांद्रता में परिवर्तन हुआ तो 3 कोटि की, 1 की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है
तो एक कोटि की। दो की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा तो दो कोटि की। किसी की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा, सांद्रता मतलब उसके अंदर जो अणु हैं वो अपघटित हो जाएं, इधर उधर चले जाएं और उसमें अणुओं की संख्या कम रह जाए, तो सांद्रता में परिवर्तन जितने में होगा उतनी ही उसकी कोटि कहलाती है। अथवा में लिखा है किसी अभिक्रिया की के दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जो हमने 1, 2, 3 लिखा था ए के ऊपर 1 और बी के ऊपर 2, तो अभिक्रिया की वो कोटि ही कहलाती है। जैसे अब हम आपको बताते हैं, इसको ऊपर से रब कर देते हैं, ये आपको परिभाषाएं याद हो गई होंगी। और एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि आप वीडियो में वॉच टाइम अच्छा देते हैं पर वीडियो को लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं। जब हमारा वीडियो आपको पसंद आता है उसको देखते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप बस थंबनेल पर प्रेस कर सकते हैं और प्रेस करने के बाद में हमारी उत्तेजना और बढ़ जाती है, हम और अच्छे से आपको बताना चाहते हैं। वैसे जितनी कोशिश होती है आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जैसे माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न है, तो हम वो ही पुरानी अभिक्रिया आपके लिए ले लेते हैं। स्मॉल ए मोलों की संख्या, कैपिटल ए अभिकारक, बी इसके एक्टिव मास और कैपिटल बी अभिकारक आपस में टकराए उत्पाद बनाएंगे। ए के लिए कैपिटल स्मॉल कैपिटल सी होगा और बी के लिए कैपिटल डी। ये अभिकारक अणु हैं, ये अभिकारक हैं और ये उत्पाद हैं। ये अभिकारक अणु बन रहे हैं उत्पाद में। अब देखिए ए की सांद्रता सी में बदली जा रही है और बी की सांद्रता डी में, तो यानी के दोनों पदों में अब बी जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ प्राप्त होता, तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता तो अभिक्रिया एक कोटि की कहलाती, और इसकी सांद्रता दोनों में बदली जा रही है तो ये दो कोटि की अभिक्रिया लिखी हुई है। कैसे ये बताते हैं, इसको अब हम रब कर देते हैं। वही लिखा है किसी अभिक्रिया की दर समीकरण लिखा है में प्रकट सांद्रता पद की घात, अभी बताते हैं कैसे प्रकट होती है घात, उस अभिक्रिया अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। बता रहे हैं आपको, यदि अभिकारक ए की सांद्रता घात एन एम लिख दें एम बा बी अभिकारक ही है, अभिकारक बी की सांद्रता पद की घात, स्मॉल एन हो तो दर समीकरण से, दर समीकरण क्या होता है आपने अभी देखा था, दर होती है दर आर प्रोपोर्शनल होती है किसके अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, या उत्पाद भी लिख सकते हैं उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन के बराबर। अब अभिकारक की अणु की सांद्रता में परिवर्तन होगा तो दर बराबर के इंटू यहां पर क्या होगा ए की घाते हम क्या लगाएंगे एम और इनटू में लगाएंगे बी की घातें एन, तो ये जो घातें हैं यही अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन और ये घातें ही कोटि कहलाती हैं। तो ये हो गया आपका दर समीकरण, और दर समीकरण में हम आपको व्यक्त करके बताएंगे जहां
अब यहाँ पर आपको लिख के बताते हैं, जहाँ M, N अभिक्रिया की कोटि है, इनके मान 0, 1, 2, 3... हो सकते हैं। यहाँ पर यदि अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन ना हो तो इसकी यम की वैल्यू 0 होगी, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसका मान 1 हुआ तो 1 कोटि की अभिक्रिया, और इसका ठीक इसके बाद आएगा अभिकारक अणु तो इसकी 2 कोटि की। चूंकि अभिकारक ए सी में बदल रहा है, अभिकारक बी डी में, तो ये दोनों 2 कोटि की हो जाएंगे। इसके लिए कितनी घात होगी, तो यहाँ पर लिख देंगे आर प्रोपोर्शनल के इंटू ए की घात 1 और बी की घात 2। तो एक अभिकारक के लिए 1 कोटि और दूसरे के लिए दूसरी कोटि। अगर ए बी की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता तो ये 1 कोटि की, अगर सांद्रता में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता तो 0 कोटि की। तो यहाँ पर 2 में परिवर्तन हुआ तो इसके लिए 1 और इसके लिए 2 होगा। और लिखेंगे के बराबर वेग स्थिरांक। और ए भी तो आप जानते हैं अभिकारक अणु है। अब आपको बता दें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि 0, पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक और भिन्नात्मक हो सकती है। कोटि क्या होती है, 0 भी हो सकती है। अब क्या, जब अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा, जैसे हम बता रहे हैं आपको अभिक्रियाएं करके, यहाँ पर एग्जांपल करके बताते हैं, ये आपको मिटाए देते हैं, इसके एग्जांपल कराते हैं। कोटि तो अगले वीडियो में बता देंगे पूरी तरीके से, तो यहाँ पर बताते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बना, 2HCl। हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, 2 ही क्लोरीन के, उत्पाद में पूरी प्राप्त हुई तो 0 कोटि की अभिक्रिया। आपकी कोटि कितनी होगी, 0। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन यहाँ भी तो 2 हैं, क्लोरीन कितने हैं, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 क्लोरीन भी हैं, तो अभिक्रिया की कोटि में कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी अभिकारक अणु जितना लिया था उतनी सांद्रता इधर मिल गई, जितने इधर मिले थे उतनी इधर मिल गई, तो ये 0 कोटि की अभिक्रिया। आप दूसरी बताते हैं, जैसे अमोनिया है NH3, इसमें हम कराएं विद्युत विसर्जन, विद्युत धारा डालें तो क्या बनेगा, N2+H2। तो यहाँ पर 2 आगे क्या लगा देंगे, 2 की मात्रा। अभिक्रिया के अणु कितने, 1 अभिकारक अणु है, और यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन देखेंगे। अब ये देख लीजिए, ये बन जाए 2N2 और यहाँ पर लिख देंगे 3H2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये अभिकारक अणु कितना, 1। एक अमोनिया का अणु था, किसका अणु था, अमोनिया का, और इसमें नाइट्रोजन गैस अलग चली गई और हाइड्रोजन गैस अलग, यानी के दोनों की सांद्रता में परिवर्तन आ गया। एक अभिकारक अणु 2 हिस्सों में टूट गया। क्या आप दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कितने कोटि की, प्रथम कोटि की, क्योंकि इसकी सांद्रता घटित हो रही है, नाइट्रोजन अलग बन रही है, हाइड्रोजन अलग बन रही है। हमारा एक अभिकारक अणु था, यहाँ 2 थे, अगर दोनों की सांद्रता बदलती तो अभिक्रिया दूसरी कोटि की होती है। तो आपको दूसरी कोटि के लिए बताते हैं, लिखेंगे CH3COOH, इसकी अभिक्रिया करा देंगे C2H5OH। तो आप देखेंगे एक अभिकारक अणु ये, एक अभिकारक अणु ये एसिटिक अम्ल है, एथिल अल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ये क्या निकल जाएगा, H2O, यानी कि इसका हाइड्रोजन और इसकी जल, तो बनेगा एक अभिकारक, क्या बनेगा, CH3COC2H5 एथिल एसीटेट। एक अभिकारक की सांद्रता में पूरा परिवर्तन हो गया, पहले ये एसिटिक अम्ल था और भी कार्बन आ गए, पहले कितने कार्बन थे, 1 और 1, 2, यानी 12, 24 मोलों की संख्या अणुभार, और
दो और जुड़ गए तो 24 दूना 48 हो गए, फिर हाइड्रोजन भी आए तो इसकी सांद्रता बढ़ गई, यानी कि कार्बन की संख्या देखिए 1, 2, 2, 4 हो गई और इधर जल निकल गया बेचारा। तो ये कितने अणुओं में परिवर्तन हो रहा, ये ए है इसके मोलों की संख्या स्मॉल ए और ये बी है इसके मोलों की संख्या स्मॉल बी, बना क्या, ये बना ए सी और ये क्या बना बी डी। ये देखिए दो अभिकारक अणु हैं ए बी, तो इसकी ये अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी दूसरी। तो इस प्रकार से बताते हैं अभिक्रिया की कोटि। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और जो हमारे चैनल से नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो उनसे यह गुजारिश है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ऐसे ही जुड़े रहें हमारे चैनल से, अन्य कामों में अपना ध्यान मत भटकाएँ, पढ़ते रहेंगे तो टॉपर कहलाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप पिछड़ जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब के लिए धन्यवाद।